वाली कमली वाले दा दीदार होया। मैं अर्ज की आका आका ए पाकिस्तान बनन विच राजी हो, पाकिस्तान बनन विच राजी हो। फखर करेगा जेड़ा पाकिस्तानी होएगा। मेरे आका ने फरमाया ओ जनिया मैं पाकिस्तान बनन ते भी राजी हां, मैं पाकिस्तान बनाने वालिया ते भी राजी हां। للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود والسلام پڑھو بابا جی بلند الصلاة والسلام عليك अल्लाह ताला दी हमदो शना तो बाद करीम आका अली सलातो सलाम दी बारगाह दे अंदर दरूद ओ सलाम दा नजराना पेश करन तो बाद सब तो पहले जश्न आजादी मुबारक सारे के आखरो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ये यहूदिया के बहुत बड़े आलम सन, बहुत बड़े आलम सन। जदों मेरे ते तुहाडे करीम आका अली सलातो सलाम हजूर मक्का पाक की चो हिजरत फरमा के ना तो सरकार मदीने पाक जो मेरे करीम आका अली सलातो सलाम हुजूर तशरीफ लिया ते अब्दुल्ला बिन सलाम अपने शगिरदा नू नाल लैके ना ते आंदे ने आओ हां जरा उस नबी दे नाल मुनाजरा ना करिए, आओ मैं उहदे अगे कुछ ऐसे सवाल करांगा कि उहनू किसे मेरे सवाल दा माज़ अल्लाह जवाब ही नहीं आएगा। हातफे गैबी चो आवाज आई अब्दुल्ला बिन सलाम मेरे महबूब नू बिन वेख्यो जेड़ा भी घरों टुरदा है ना यही सोच के टुरदा है कि मैं उन्हूं ला जवाब कर देंगा, पर वेखन तो बाद ते मेरे महबूब दा बोलना ते दूर दी गल है, मेरे महबूब दी खामोशी आने वाले नूं ला जवाब कर दें दिया। आने वाले नूं ला जवाब कर दें दिए। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम इस्लाम कबूल करने तो पहले दी गल कर रहे हैं, मैं दसिया ना यहूदियां दे बड़े बड़े शगिरदा नाल लैके आ गए। जिवें ही हजूर का चेहरा वेख्या ना आंदे ने हजूर दे चेहरे चो नूर पिया फुटदा सी, जाके बव्या जे सरकार दे चेहरे चो नूर पिया फुटदा सी, आंदे ने मैं रह गया। आया पुछन सा कुछ करन आया सा, मुनाजरा करन आया सा, सवाल ते जवाब करन आया सा,
कुछ गल्लां करन आया सा आंदे ने, पर मैं जदों हजूर दा चेहरा वेख्या ना ते गुफ्तगू जदों सुनी आंदे ने वेख ते मैं उदों ही गया सा जदों मैं वेख्या ते मर मैं उदों गया जदों सोना बोलिया। आंदे ने जदों मैं जनाबे वाली हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहंदे ने जदों मैं आका नूं वेखिया हजरत तो जनाबे वाली मैं बात अर्ज कर रहा हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहंदे ने जदों मैं आका नूं वेखिया ते आंदे ने सर से लेकर पांव तक तनवीर की तनवीर है, सर से लेके पांव तक तनवीर की तनवीर है, सर से लेके पांव तक तनवीर की तनवीर है, जैसे मुंह से बोलती कुरान की तफसीर है, सर से लेके पांव तक तनवीर की तनवीर है, जैसे मुंह से बोलती कुरान की तफसीर है, सोचती तो होगी मुस्तफा को देख कर ये दुनिया, सोचती तो होगी मुस्तफा को देख कर दुनिया, भला वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। जनाबे वाली हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहंदे ने तवज्जो आंदे ने जदों मैं आका वल वेखिया मैं अगला जुमला कहन लगा तड़प जाओगे। अब्दुल्ला बिन सलाम कहंदे ने अजे ते मैं वेखिया, अजे ते फरमांदे ने मैं वेखिया। आंदे ने फिर ओ घड़ियां आईयां जदों सोने ने मेरे वल वेखिया, खुदा दी कसम उठा के कहना अज दा मुरीद चंगा होवे अंदरों बाहरों एक होवे पाक होवे नापाक ना होवे, पीर ओदे वल वेखे ओनू वजद आ जांदा है आंदा मेरे पीर ने मेरे वल वेखिया है। जनाबे वाली मैं कहना जड़े मुरीद वल अज दा पीर वेखे मुरीद दी कैफियत बदल जांदी है, ते जिदे वल रब दा हबीब वेखे सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आप फरमांदे ने जदों आका ने मेरे वल वेखिया, अल्लाहु अकबर, फरमांदे ने आका ने वेखिया ते मेरे मुंह बेसाख्ता निकल गया ला इलाहा, ना ना यार आजादी दा दिन ने इस मुल्क दा मतलब ही ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इंज कलमा पढ़ो जिवें हजूर दे गुलाम पढ़ देने, मुहब्बत दे नाल जरा कहना। अब्दुल्ला बिन सलाम कहंदे ने जिवें आका ने मेरे वल वेखिया ना सवाल याद रिया ना जवाब याद रिया ना मुनाजरा याद रिया ना पुछना याद रिया ना दसना याद रिया, आंदे ने मेरे मुंह कलमा निकल गया। जिने वेले कलमा निकलिया ते शागिर्द आंदे ने उस्ताद जी तुसी ते मुनाजरा करना है सो कुछ पुछया भी नहीं जे ते एवें ही कलमा पढ़ गए हो। फरमांदे ने मैं आखिया शागिर्दो मैं एवें कलमा
पानी पड़ गया, मैं इत्थे तां आया सा, मैं सवाल करांगा ते पता करांगा ए नबी सच्चा है के नहीं है, मैं मुनाजरा करांगा ते पता करांगा ए नबी सच्चा है के नहीं है। आखिया फिर कीता नहीं जे, आखिया पता ते मैं सच्चाई दा करना सी, ओ मैनू लग गया है। आखिया ओ किवें लग गया है? आखिया रब दी कसम है, जदों मैं मुस्तफा दा चेहरा तकिया है मैनू समझ आ गई, ये आप भी सच्चा है, एदा दीन भी सच्चा है, एदा खुदा भी सच्चा है। हजरात तो जनाबे वाली आंदे ने मैनू उदो ही पता लग गया। अच्छा जी, गल जी समझ आ गई इतों तक? कलमा आंदे ने मैं बोलो तुसे, कलमा मैं अल्लाह कीता जे तुसा मी कुछ आखना मुंह ते आखो कलमा मैं ते की सन कलमा पढ़न तो पहलो यहूदियां दे बाद गल्लां मुहम्मद जवेद सियालवी साहब ऐसी होंदिया ने कि जिन्होंने बंदा छड़ना चाहे ना तो वेला लगता वेला, मगरों एक वक्त गुजरिया सी यहूदियों के नाल, वो फिर वक्त तो लगना सी यहूदियों में ऊंठ का गोश्त खाना जायद नहीं सी, ऊंठ का गोश्त खाना जायद, ऊंठनी का दुध पीना भी जायद, तो फर्ज इधर भी कोई नहीं, अब शुभाश फर्ज तो इधर भी कोई नहीं ना, ये तो किधरे नहीं ना कि हफ्ते च एक बार तुम ऊंट का गोश्त खाना ही खाना है, ये तो कोई नहीं ना, बोलो तुम साढ़े वैसे भी असं जिस इलाके रहने इतने वो कल्चर ही घट है, इतने तो ऊंट का गोश्त बड़ा भी खाधा जाए, तो ईद तो ईद खाधा जाता है। हाँ जी, और ऊंटनी का दुध जोड़ा बाद दफा ऐसे भी बंदे ने जिन्हें पूरी जिंदगी चक के भी नहीं वेखे आता, यानी फर्ज है नहीं। मैं तो उन्होंने गल समझाना चाह रहा, मौजू मेरा ही जी दे जेड़े वेले फर्ज नहीं सी ना, तो अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मेरे शगिरदा भी कलमा पढ़ लिया, कुछ यारा भी पढ़ लिया, कुछ घर आलिया भी पढ़ लिया, तो कुछ सोच सोच अजे कुछ नाल है सी ना, पिछली सोच भी अजे उन्हें आखिया ऊंठ का गोश्त खाना उथे भी जायज नहीं तो फर्ज ना, यार नाल बोलिया करो मेरे फर्ज है तो जायज उत्थे भी कोई नहीं भी खावांगे तो फिर कोई गल नहीं, कुरान आ गया, कुरान की आया है मसला समझ लिया जे, कुरान ये आया कि कलमा तुसी मेरे महबूब दा पढ़ो ते नाल दो जुमले रखो उधर भी, ये भी सोचो कि उधर जायज की है उधर नजायज की है। अल्लाह फरमाया जी तो कलमा मेरे महबूब का पढ़ लिया तो उधर की सिर्फ इधर उधर की जायज है या नजायज है, कुरान की आया, कुरान आ गया, आवाज आई अय्युहल्लज़ीन आमनु दुखुलू, जनाबे वाली कुरान आ गया, आवाज आई अय्युहल्लज़ीन आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ, आवाज आई मान वाले हो पूरे 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 इस्लाम में दाखिल होवो, अद्धे नहीं पूरे दाखिल होवो, पूरे पूरे दाखिल होवो, या बात आई ये नहीं सोचना उधर की जाए दे की न जाए दे, बस ये सोचना है जिधर आए इधर नजायज की है ते जायज की है,
फरमाया सिर्फ यही सोचना है कि इधर जायद की है। अल्लाह ने फरमाया ना ना, ये सोचना भी नहीं, ओना दा सोचना भी नहीं, ओना नू ते हुकम होया, ओना दा सोचना भी नहीं, असी करी आने आ सकला ओना वालिया अकला ओना वालिया कपड़े ओना वाले किरदार ओना वाला जनाबे वाली रिफ्तार ओना वाली गुफ्तार ओना वाली खुदा दी कसम उठा के कहना आवाज आई ना ना मेरे हबीब दे गुलामो जिन्ना ने कलमा मदीने वाले दा पढ़ लिया है उधर ध्यान ना करया जे जदो भी ध्यान करना जे मेरे महबूब वाली करया जे जी इंज की हुंदा एवें मौलवियां दीयां गल्लां ने सुन इंज की हुंदा तू आना मैं जो मर्जी बनया रवां ते मैं तां वी मुसलमान हां। सुन हजूर दी हदीस पाक मेरे करीम आका दा फरमान और तवज्जो है तुहाडी मेरे वल। सरकार ने जदों दस्तार मुबारक बन्नी है ना की बन्नी है जनाबे वाली मेरे आका ने फरमाया जदो दस्तार बननी होवे पहले थले टोपी रखो। बाहर वाले भी बोल दो बाहर वाले एको कह दो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया जदो दस्तार बननी होवे पहले थले टोपी रखो। आका वजह की है फरमाया बगैर टोपी तो दस्तार बनना ये यहूदियां दी आदत सी। फरमाया मैं उन्हां दीयां आदतां मिटान आया अपनियां आदतां धुआण आया। वो बननी तो दस्तार ही सी ना कजना ते सेर ही सी ना नहीं समझ आई कजना ते सेरी सी ना बगैर बगैर टोपी तो भी कपड़े नाल कजे ही जा सकदा सी ना। मेरे आका ने फरमाया ना इंज ना करया जे ए उन्हां दी नकल है। ते नाराज ते नहीं होवोगे अगर मैं एक जुमला कहां बड़ी माजरत नाल जुमला कहन लगा दाड़ी मुना देना ते हजूर दे गुलामां दी नकल ते नहीं नाराज ते नहीं हो मेरी ड्यूटी है ना तुहानू कहना मनाना तुहानू ड्यूटी नहीं मेरी कहना मैनू मेरी बस ड्यूटी तुहानू। यार कजना अज नहीं तो समझ आई मसले की कजना तो सिर सी ना हजूर फरमाते कोई नहीं गल जिवें उन्हां बननी हो जी असीं बन लैने आ पर सरकार ने फरमाया नहीं वो बगैर टोपी तो बनते हैं असा नहीं बननी बगैर टोपी तो ताकि उन्हां दी नकल ना होवे। तुसी दस्तार भी लाओ तो पता लगे कि कमली वाले दे गुलाम ने दस्तार बनी सी। यही वजह पाकिस्तान फिर क्यों बनया इस वजह तो बनया कि साड़ियां उन्हां दियां आदतां ही नहीं सन रलदियां उन्हों का कल्चर वखरा से इनू ही दो कौमी दो कौमी नजरिया इनू कहें जनाबे वाली हिंदू और सन तो मुसलमाना का और मामला सी। यही वजह इस वास्ते क्या कि पाकिस्तान अलग मुल्क बनना चाहिए क्योंकि साडा कल्चर ही वखरा है असी इन्हां दे नाल नहीं रह सकते। मैं पूछन लगा वैसे तुहानूं पाकिस्तान का मतलब की है ला इलाहा इल्लल्लाह बस पूरा आखना जो मैं नारा मारना पाकिस्तान का मतलब क्या। चलो यार छोड़ो परां वो बंदे हाथ खड़ा करो जिहड़े कलमा पूरा पढ़ सकते हो तो उच्चा पढ़ सकते हो पक्की गल है मसीते आ चुके डंडी ना मारे जो पूरा पढ़िया जे पाकिस्तान का मतलब क्या है नारा है। मैं हम तुम नाल पूछता जाना किसे पार्टी ने आख्या मैं मोटरवे बना के दिती किसे पार्टी ने आख्या मैं कपड़ा ते मकान ते रोटी देंगा। अगले हजरत साहब जड़े आए ने आंदे ने मैं तुहानू सबर दा दर्स देंगा
सुनते पे कोई ना, मगर वाले किसी आख्या मैं एटम बंब दिता है, किसी आख्या मैं मोटरवे दिती है, किसी आख्या मैं गरीबा का ध्यान रखे है, किसी का नारा मोटरवे सी, किसी का नारा जनाबे वाली ए सी कि मैं एटम बंब बनाया रोटी कपड़ा सी, किसी का नारा तब्दीली सी। हाथ जोड़ के कहना किसी का नारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह भी इन्होंने पार्टियां चो है सी। हुक्मरानी ना सिर साहब पाकिस्तान से करना है ने। ते नारे इन्हों के अपने ने, पता लग गया पाकिस्तानी है ही नहीं सन। मैं सिर्फ मस्जिद खलो के एक सवाल किया है कि इन्हों पार्टियां चो किसी का यह नारा है? चलो मैं फिर नारा मरवाना तो एक फिर एक गल पूछना, पाकिस्तान का मतलब क्या? यार कमाल दे लोग तुसी, सुभान अल्लाह तुहाडी अजमत नूं सलाम है। इन्हां तिन्नां पार्टियां चो किसे एक पार्टी दा नारा भी नहीं है जिहड़ा तुसी जवाब दिता है, ते तुहानूं याद भी है। नहीं समझ आई खालिद भाई? समझ कोई नहीं आई जी? किसे पार्टी दा नारा भी नहीं पर तुहानूं इह याद भी है। इन्हां पार्टियां दा इक भी नारा तुहानूं याद नहीं, इह नारा ता याद है। चलो बजुर्गों नूं कढ के शायद कोई एक अद्धे बाबा जी विच बैठे होण, वह मुंडा हाथ खड़ा करो जिहड़ा तहरीके पाकिस्तान विच कायदे आजम साहब दे नाल सी। कोई भी नहीं ऐसी कोई नाल हाथ खड़ा करे जी कि मैं कायदे आजम साहब के नाल जा? कोई नहीं सी। पर अल्लाह की कसम नारा तुहानूं किड्डा याद है, ए नारा ते ओ तो मजिया तुहानूं अज याद है। पता लग गया ए नारा भी सच्चा सी, नारा बनाने वाले भी सच्चे सन, नारा मारन वाले भी सच्चे सन। ताए नारा जी याद है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ईमानदारी नाल एक बारी दरो दीवार मियां अबू बकर साहब गवाह हो जाए। पाकिस्तान का मतलब क्या? हाँ ए सी ए नारा सुनो जे फिर हूँ। ये बड़े बड़े मुखालफ सन पाकिस्तान बनाने दे, पर कुर्बान जा सुनियो तुहाडी अजमत नूं सलाम है, ए जुमला मुहम्मद अली जिन्ना साहब दा कायद आजम साहब दा रहमतुल्लाह ताला अलैह दा ए जुमला सुनिया वास्ते वे सुननी तो तड़प जाएगा, बाकी एवं ही बस वेंदा रहेगा। जनाबे वाली कायद आजम मुहम्मद अली जिन्ना नूं किसे ने पुछया की करन लगे हो? की करन लगे हो? उन्हें आख्या जनाबे वाली मैं पाकिस्तान बनाने लगा। मेरे नाल बोलना की करन लगा? मैं जनाबे वाली पाकिस्तान बनान लगा। किसे ने पूछा ए बन जाएगा? ए बन जाएगा, ए बन जाएगा। मैं जुमला कहन लगा, कायदे आजम मुहम्मद अली जना ने फरमाया फरमाया चलिया मैं ते एवें रंग ही भरन लगा। ए पाकिस्तान ते उदो ही बन गया सी जदों खादा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती ने पहले हिंदू नूं कलमा पढ़ाया सी। पाकिस्तान उदो नहीं पाकिस्तान पाकिस्तान। पढ़ो के मेरे नाल, गुंबदे खजरा कहे फैजान पाकिस्तान। ना ना यार इंज नहीं,
आवाज आए पाकिस्तान दी बाबा दे बुलंद गूंवदे खजरा कहे फजान पाकिस्तान। ना ना यार आ जड़े नेड़े बैठे हो तुसा की करना है, तुसी क्यों नहीं पढ़ते प्यार दे नाल जरा गुंबदे खजरा कहे फजान पाकिस्तान किस्तान औलिया कहे निशान पाकिस्तान। ना ना जिन पाकिस्तान नल प्यारे ओ पढ़ो बाकी मुंह बंद रखिया जे हौली पढ़न आलिया नु माफी है जिन्हां दियां जवानियां पाकिस्तान लई ने मुहब्बत दे नाल कहना आओ तुसी सिर्फ ए नहीं आखना है पाकिस्तान पाकिस्तान हौलिया का है फैजान पाकिस्तान। आइए जरा सुनिया जे गौर दे नाल कायद आजम मुहम्मद अली जना नु किसी ने पूछा की बना लगे क्यों पाकिस्तान क्या बन जाएगा फिर मैं तो उदन ही बन गया जी जिस दिन मेरे पीर गरीब नवाज ने हिंदू कलमा पढ़ा छड़िया थे पाकिस्तान ते आप पाकिस्तान का मतलब पता की है पाक लोगां दे रहन दी जगह नहीं समझ आई पाक लोगां दे शराबी पाक है बोलो शराबी पाक है पीन आला वेचण आला चोर पाक है धोखे आला फ्राडिया बदकारी करन आला ते जे कोई अज कवे कि मेरे मजहब विच मैं जुमला कहन दा आदी और कह देन लगा ते कोई कवे कि मेरे मजहब विच शराब जायज है ते पाकिस्तान विच रह के उन्हूं तां वी पीण दी इजाजत नहीं क्योंकि पाक लोकां दी जगह है और कोई भी किसी नूं इहदा लाइसेंस जारी नहीं कर सकता जिहड़ा करेगा जालिम गिणिया लिखिया जाएगा अल्लाह दी बारगाह दे अंदर। कोई कवे कि मेरे मजहब विच बदकारी जायज है ते पाकिस्तान च रह के नहीं कर सकता क्योंकि पाक लोगों के रहने की जगह। जनाबे वाली कायदे आज़म मुहम्मद अली जना नु पुछिया जेड़ा पाकिस्तान बनाओगे एदा कानून केड़ा बनाओगे थकते नहीं गया यार एदा कानून केड़ा बनाओगे आपने फरमाया की मतलब कानून ते साडे कोल बनिया है बनिया है कायदे आज़म मुहम्मद अली जिन्ना नु पुछिया केड़ा कानून है मुहम्मद अली जिन्ना ने अपनी शेरवानी दी जेब विचों कुरान कढ़िया। ओ बोलो सुनियो उच्चा खो जरा सारे जवान कायदे आज़म मुहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जेब विचों कुरान कढ़िया फरमाया सानू अल्लाह ने कानून वास्ते कुरान दिता है फरमाया मैं पाकिस्तान बनावांगा कानून मैं नहीं बनावांगा इस मुल्क दे अंदर कानून ओही चलेगा जेड़ा अल्लाह दा कुरान है मदीने वाले दा फरमान है मदीने वाले दा ओही ओही कानून चलेगा और कोई नहीं होएगा। अच्छा जी पूछिया खलीफा कैसा बनाओगे थक गया हुक्मरान कैसा बनाओगे। मैं अपनी बात खत्म कर रहा चूंकि आज मैं जल्दी बात खत्म करनी क्योंकि असी 14 अगस्त के हवाले नाल भी इसी हाजरी लवानी अलहमदुलिल्लाह इदारा कमरुल इस्लाम के बच्चे 10-15 मिनट के अंदर अपनी हाजरी पेश करेंगे फिर उस तो बाद नमाज अदा की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुशकिस्मती आशिक रसूल जनाबे चौधरी कमर जमान सद्दीकी साहेब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस आशिक रसूल बाप दा आशिक रसूल पुत्र है
आप तशरीफ लाए, मैं खुश आमदीद कहना। जनाबे वाली कायदे आजम मोहम्मद अली जना नु पूछिया के हुक्मरान कैसा ले आओगे? तवज्जो है, तुसी ते इन्हां हुक्मराना दे आदी हो ना, अलग कीता जिन्हां दा पाकिस्तान नाल तल्लक ही कोई नहीं। तो मैं बात अर्ज कर रहा, सुनिया जे जरा, ये पाकिस्तान किस वजह तो बने, किवें बने? जनाबे वाली कायदे आजम मोहम्मद अली जना नु पूछिया हुक्मरान कैसा बनाओगे? कायदे आदम कह लगे जिवे मैनू कानून बनया मिले एवे मैनू हुक्मरान भी बने बनाए मिले ने। मैं पूछिया मुहम्मद अली जना साहब ओ किवे मिले ने? आख्या मैं हुक्मरान जिन्हों भी चुनागा सीरत अबू बकर दी पढ़ाई आवांगा, हुकूमत चलाई आवांगा, सीरत फारूक आजम दी पढ़ाई आवांगा, हुकूमत चलाई आवांगा, सीरत उस्मान गनी दी पढ़ाई आवांगा, हुकूमत चलाई आवांगा, सीरत मौला अली दी पढ़ाई आवांगा, हुकूमत चलाई आवांगा, सीरत इमाम हसन दी पढ़ाई आवांगा, हुकूमत चलाई आवांगा। जे मुल्क बचाना पै गया फिर सीरत हुसैन दी पढ़ाई आवांगा, मुल्क चलाई भी आवांगा बचाई भी आवांगा, फिर बचाई भी आवांगा। मोहम्मद अली जना सद ये हुक्मरान भी मोहम्मद अली जना दे नहीं, एक कौम भी मोहम्मद अली जना वाली नहीं। उस कौम में गैरत बाकी सी अपनी सरजमीन, असी तो गैरां दे होके रह गए, साढ़े मामलात ठीक है, सारे का किरदार है पाकिस्तान बनाने च, पर कुर्बानियां मौलवियां दियां जी। हुण आपने फरमाया मैनू हुक्मरान बनाने की भी लोड़ कोई नहीं। आल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस जड़ी बनारस च हुई, 5000 उलमा ने उहदे शिरकत की, परेशान हो मौलवी कट्ठे हो गए, सुभान अल्लाह आप छोड़ो है कट के कह छोड़ो जरा सारे सुभान अल्लाह, वो भैड़े अंदर हौसला रखो, मौलवी का ना आ जाए तो हस के आ क्या करो सारे सुभान अल्लाह। 5000 उलमा कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने खत लिखिया, किनू लिखिया? पीर जमात अली शाह नू लिखिया। अगला ना लमा किनू लिखिया? हजूर पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज नू लिखिया, हां पीर आप मान के शरीफ नू लिखिया, सारे पीरां ने दम नू कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने खत लिखिया। और उस सारे खत का एक ही जुमले च निचोड़ पेश कर देना, मुहम्मद अली जना साहब ने लिखिया कि याद रखिया जे पीरो ते मौलवियो ये बाहर निकलो, ये मैं जेड़ा मुल्क बनान लगा ना, मैं अव्वल दर्जे दा बुखील ही बस अज नहीं बोलेगा, पाकिस्तान नल उलमा नल मसलक नल हुजूर नल प्यार करने वाला भावे कोई बैठा या खलोता है नजर आउंदा पिया या नहीं, डट के जवाब देगा। कायदे आज़म मुहम्मद अली जना साहब ने आखिया पीरो ते मौलवियो सारे कट्ठे हो जाए जे, जेड़ा मुल्क मैं बनान चला ना ये अपने प्यो दे नां दा नहीं बनान लगा, मदीने आले दे नां दा बनान। पांच हजार उलमा कट्ठे ने, ते जेड़े वेले जनाबे वाली वारी आई मेरे पीर सियाल दी, उच्चा दर उच्चा कह दो, उच्चा कह दो दर उच्चा, जेड़े वाबस्ता हो आस्ताने दे नाल ना डंडी मारिया करो। जेड़े वेले जनाबे वाली हजूर पीर सियाल दी माइक ते वारी आई, आपने कायदे आज़म मुहम्मद अली जना दा खत कटिया, फरमा कायदे आज़म मुहम्मद अली जना कहंदे ने मैं ओ मुल्क बनान लगा जिथे कुरान आजादी नाल पढ़िया जा सके, जिथे नात आजादी नाल पढ़ी जा सके, जिथे नमाज आजादी नाल पढ़ी जा सके, जिथे रोजा आजादी नाल रखिया जा सके, जिथे मदीने वाले दा नारा आजादी नाल मारिया जा सके। फरमाया पीर सियाल ने मुहम्मद अली जना सुन लो
सानू टोरिया है वे असी टुरत पे पर साडा तुहाडे नाल वादा है हुण तुसी टुरो या ना टुरो असा नहीं जे रुकना असा उदो पैणा है जदो पाकिस्तान बन जाएगा असी उदो पैणा आख्या तुसी टुरो या ना टुरो ये नहीं आख्या करिए जी फिर वड्डे ही बह गए हैं वड्डियां दियां बोकियां बह जाण ते अपनियां टैट रखी दियां ने तुसी वड्डियां वास्ते नहीं टुरे तुसी मुल्क और इस्लाम और मसलक वास्ते चले हो कोई वड्डा गलती करे तो उन्हें सैड मार के टुर दे रहा करो मंजिल अगो मदीने वाले अता करने किसे पीर मौलवी अता नहीं करनी ना किसे एम पी एम एन किसे चौधरी अता करनी है याद रखिया जे हजरात तो जनाबे वाली मैं बात रद कर रहा गुंबदे खजरा का है फैजान आवाज आए पाकिस्तान ना ना यार इंज नहीं आवाज दे नाल गुंबदे खजरा का है फैजान पाकिस्तान सुन दे जाना पीर ऑफ मान के शरीफ पीर ऑफ मान के शरीफ सारे मुरीद कट्ठे हो क्या उन्हें पीर जी की कर दो बंदे टाई लाई है पेंट शर्ट पाई है मुछ कोनी दाढ़ी कोनी बूट कसे जू तुसी ओदे मगर आप भी टुर पे सानू भी टुर छड़े ते की करना दे फरमाया कौन है उन्हें कहा जी मोहम्मद अली जना फरमाया की होया उन्हें कहा जी आप भी ओदे मगर टुरे हो सानू भी टुर छड़े जो फरमाया चले हो ना वो आप टुरे है ना ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਗੁਰ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਤਾਬਤ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਪੀਰ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਰਮਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦਿਆਂ ਸੌ ਗਿਆ ਜਾਗਿਆ ਜੇ ਸੁਣੀਓ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦਿਆਂ ਸੌ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰ ਕਿਤੇ ਮਗਰ ਟੁਰੇ ਆ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਆਕਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਆਕਾ ਆਕਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਫਖਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਤਾਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬੋਲੇਗਾ ਖਾਜਾ ਜਮੇਰੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬੋਲੇਗਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਆਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜਣਿਆ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ दस दस हजार औरत एक शाम में हिंदुआ सिखाने नहीं जी हिंदू सिख भाई भाई ने जी चंगे ने जी बड़े चंगे मैं क्या तेनू की पता है तू जमया ते मोबाइल ते तेरी अखीर मोबाइल तेनू की पता कौन चंगा दसा हिंदुआ ते सिखा ने आजादी का जो नारा वजा आजादी का ऐलान होया एक शाम के अंदर दस हजार साड़ियां मामा पैना बेटियां दिया इज्जत पमाल कीतियां एक शाम की गल पे सुना ना आखो कि चंगे ने ये उन्हां दी औलादां जे दस हजार दो करोड़ मुसलमान ने हिजरत कीती किन्नी हिजरत दस लख मुसलमाना ने गर्दना कटवाइया अज उन्होंने की जवाब देन दा तुसीं अशर दे मैदान च कट्ठे ते सी हो लगी क्या मौलवी क्या पीर उन्हें इत्थों फड़ के कसीट ना ना लिया तो मैनू फड़ लिया उन्हें कहना असीं धीआं भैणां दीआं इज्जतां दे के अपनियां जानां दे के कुरबानियां दे के तुहानूं मुल्क दे के आ तुसीं उन्हूं पलीत करके रख दिता पलीतां दे हत्थ च हुक्मरानियां दीआं वागां दे छड़ियां दे इन्हां बदमाशां दे हत्थ दे अंदर
ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਲੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਉਹ ਕੱਲੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕੀ ਆਨੇ ਆ ਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚਵਲ ਹੀ ਹੈ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚਵਲ ਹੀ ਹੈ ਭੈੜਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਦੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕਦੀ ਫਲਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋਲ ਟੁਕੜੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਨੇ ਅਸਾਂ ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਨਾ ਜੀ ਤੋ ਆਓ ਅੱਜ ਫਿਰ ਐਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸੁੱਟ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਘਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਗਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਰਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਡੱਬਾ ਡਰੰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲੀ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੀ ਵਤਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਨਾ ਸੁੱਟੋ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਰੱਖੋ ਪਾਕ ਵੀ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ